हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विस स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के धरने की अपडेट। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विकी हांसर के नेतृत्व में एक बड़े धरने का आयोजन किया गया निदेशालय पर पोर्टल खोलने के संबंध में। सोचा गया कि इस तरीके से ऐसा अंतिम प्रहार करना है कि अब हमारा पोर्टल खुल जाए, कोई भी लेट लतीफ़ी ना हो। माना कि पोर्टल खुलने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि पोर्टल ना खुल के दूसरा कोई कार्य शुरू हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये धरना बहुत अहम हो जाता है। और हम ये कहेंगे कि वाकई विकी खान सर के नेतृत्व में इस धरने को एक मजबूती मिली। एक कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि धरने की वजह से पोर्टल हमारा खुलना निश्चित हो चुका है, और कल आपको इसके संबंध में एक बड़ी गुड न्यूज़ मिल भी जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं भी लखनऊ स्टेशन पर ही हूँ, तो बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो दे ही देती हूँ। देखिए, ये विकी खान सर बोल रहे हैं, धरने की कुछ आज की फ़ोटोज़ भी आप ये देख सकते हैं। और जो है लगा काफ़ी संख्या में भीड़ थी वहाँ, और जो है विनय पांडे सर से भी मिले हम लोग जाकर, और काफ़ी देख सकते हैं ये भीड़, और महिला कैंडिडेट भी अच्छी खासी थी। और देखिए यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। फिर काफ़ी देर बाद जो है विनय पांडे सर ने अंदर बुलाया, और अंदर बुलाकर जो है हम लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि आपका पोर्टल जो है लगभग मतलब सब काम तैयार हैं, बस कल आपका पोर्टल खोल, कल भी नहीं कहा था उन्होंने, तो कहा था कि कल आपका कार्य हो जाएगा। तो हमने ये बात स्पष्ट भी की कि सर कल पोर्टल खुलेगा या विज्ञप्ति, तो सर ने कहा कि विज्ञप्ति तो आज ही जारी हो जाएगी, कल पोर्टल खुलेगा। और इसके संबंध में जो सूचना आप देख सकते हैं बाहर चस्पा भी कर दी गई, तो आप लोगों को जो विज्ञप्ति मिली है मतलब जो सूचना आप लोगों ने देखी होगी वो सूचना सही है। यहाँ देख भी सकते हैं, ये विनय पांडे सर से मिलने गए थे तब अंदर की फ़ोटोज़ हैं, और ये हाँ ये देख सकते हैं, ये जो है ये बिल्कुल सही है। विनय पांडे सर ने खुद हमसे कहा कि आप जो बाहर जो चिपका हुआ है उसको जाकर चेक कर सकते हैं, फिलहाल आज आपको रात में पोर्टल खोलने के मतलब विज्ञप्ति जारी होने की पूरी उम्मीद है, और कल जो है पोर्टल खुलने की पूरी उम्मीद है। तो देख यहाँ भी देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग थे, यहाँ देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और ये महिला कैंडिडेट सारे, ये हम लोग अंदर गए थे, और ये अंदर की ही फ़ोटोज़ हैं। और तो बस यही कहना है मेरा कि अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, और हमारा जो है तहे दिल से धन्यवाद विकी खान सर, उनकी पूरी टीम को, और बाकी जितने भी अभ्यर्थी आए सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि वाकई जो जैसे कोई कार्य शुरू तो होता है, कार्य तैयार है, लेकिन उसका तैयार कार्य में भी विलम्ब हो सकता है, लेकिन धरना प्रदर्शन होने से या कहीं ना कहीं दबाव बनने से वो कार्य हमारा अतिशीघ्र हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आज छुट्टी नहीं थी और कल भी अवकाश नहीं होगा, तो ये है कि अब आज हमारी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और कल अवकाश नहीं है तो कल पोर्टल खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कार्य दिवस में धरना देना सफल रहा, और विकी खान सर वाकई कुशल नेतृत्वकर्ता तो हैं ही ये कहना, और उन्होंने वाकई बहुत बड़ा संघर्ष किया है एलटी को लेकर, इसलिए हम बार बार उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है कि लखनऊ पर ये धरना अंतिम ही साबित होगा, तो आप लोग बेफिक्र रहें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो लगता ही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पोर्टल खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, या प्रवक्ता वाली तो बात नहीं हो रही है, तो नहीं ऐसा नहीं है। विनय पांडे सर से जब बात हो रही थी बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इस बार जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, और जो भी कहा है झूठा आश्वासन नहीं है, खोखला आश्वासन नहीं है, बल्कि वो लिखित में जो सूचना थी चिपकी हुई जो दिखाई गई थी, वो मुझे लगता है वो हमारे लिए काफ़ी सॉलिड एक सबूत कह सकते हैं। तो कल हमारा पोर्टल खुलने के पूरे चांसेस हैं, तो इसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन फिर भी
डर तो अभी भी लगा है जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए, संघर्ष तो अभी हमारा जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी संघर्ष खत्म हो गया है, संघर्ष तो चलता रहेगा। और विक्की खान सर को बार बार तहे दिल से धन्यवाद। बाकी एलडी वेलफेयर एसोसिएशन भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कल की, तो हम ये नहीं कहते कि वो लोग नहीं आए, लेकिन अगर पोर्टल खुल जाता है तो शायद आने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन नहीं खुलता है तो वो लोग भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, हम लोग चाहते हैं कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, और बस मकसद हमारा मकसद जो है हमारा पूरा हो, तो बस यही बात है और कुछ नहीं। अभी मैं बाकी सारी बातें बाद में बताऊंगी विस्तार से, और विक्की खान सर की भी विज्ञप्ति जल्दी ही आ जाएगी तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए छोटी सी गुड न्यूज़, छोटी नहीं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी तो आपको बता दी। स्टेशन से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे हो गया होगा, आवाज़ भी बहुत साफ से नहीं आ रही है। चलिए बाद में बातें करेंगे, थैंक यू, बाय बाय।